Hello guys, this is GB Tech YouTube channel. Hello guys, this is GB Tech YouTube channel. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपने फिल्मोरा सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने साउंड में इको इफ़ेक्ट कैसे ला सकते हैं, यानी आप अपने आवाज़ में गूंज या अपने आवाज़ को सराउंड कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपको ये इफ़ेक्ट कैसे लाना है, आज मैं आपको यही सिखाऊंगा। तो चले लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट यहाँ से मैं अपना फिल्मोरा ओपन करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फिल्मोरा ओपन हो चुका है। उसके बाद आपने जिस ऑडियो में इको इफेक्ट लाना है उसको यहाँ से आप ड्रॉप कर दें। तो यहाँ से मैं ये वीडियो ड्रॉप करता हूँ। उसके बाद मैं इसको ड्रैग करके यहाँ लाता हूँ। तो यहाँ लेयर वन पे मैंने इसको ड्रॉप की है। तो एक बार मैं ये ऑडियो आपको चला के दिखाता हूँ। हेलो गाइस, दिस इज जीबी टेक यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे आपको कोई भी इको इफेक्ट सुनाई नहीं दे रहा है। तो हमने जिस हिस्से में इको इफेक्ट लाना है उसको आपने यहाँ से अलग कर दे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इस हिस्से को अलग करता हूँ। यहाँ हमने इस हिस्से में इको इफेक्ट लाना है, तो उसके लिए यहाँ से मैंने इसको क्रॉप की है। उसके बाद आपने यहाँ से ये सेकंड पार्ट को कॉपी करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। लेयर टू पे लाना है इसको। तो उसके बाद आपने यहाँ से इसको अगेन कॉपी करना है और यहाँ लेयर थ्री पे भी एक्सपोर्ट करना है। तो अगेन मैं इसको थ्री पे लाता हूँ और उसके बाद अगेन यहाँ इसको कॉपी करना है और उसके बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेयर फोर पे मैंने इसको पेस्ट कर दी है। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये चारों लेयर एक ही लाइन में होना चाहिए, यानी ये चारों बराबर लेयर में होना चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ से अपने ऑडियो इंडिकेटर को थोड़ा स्ट्रेच करना है। तो यहाँ पे हमको ऑडियो इफेक्ट आसानी से नज़र आएंगे। उसके बाद आप यहाँ फर्स्ट लेयर को ऐसे रहने दें और यहाँ जो सेकंड लेयर है उसको थोड़ा सा आगे कर दें और जो थर्ड लेयर है उसको उससे भी थोड़ा आगे करें और जो फोर्थ लेयर है उसको थर्ड लेयर से भी थोड़ा आगे कर दें। तो अगर मैं आपको ये वीडियो एक बार चला के दिखाऊं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इको इफेक्ट नज़र आएंगे। तो मैं एक बार आपको चला के दिखाता हूँ। हेलो गाइस, दिस इज जीबी चैनल। तो यहाँ पे आपको सेकंड पार्ट में थोड़ा सा इको इफेक्ट नज़र आ रहा है, लेकिन हम इस इको इफेक्ट को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ सेकंड लेयर पे डबल क्लिक कर दें और यहाँ पे आपने आना है, वॉल्यूम में आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको आपने करना है -6, -5 भी कर सकते हैं आप। अराउंड मैंने 6 कर दी है, तो यहाँ सेकंड लेयर को मैंने 6 कर दी है। उसके बाद आप यहाँ थर्ड लेयर पे डबल क्लिक कर दें और उसको आप कर दें 12। तो यहाँ पे हम 6-6 का गेप रख रहा है, तो यहाँ पे अराउंड 12 हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ फोर्थ लेयर पे डबल क्लिक कर दें। तो उसके लिए मैं नीचे आता हूँ और यहाँ इस पर डबल क्लिक करता हूँ। तो इसको हमने करना है 18। तो यहाँ पे मैंने 6-6 का गेप रखा है। तो उसके बाद आपने यहाँ से इसको ओके करना है। चाहे तो आप यहाँ पे 5-5 का भी गेप रख सकते हैं और 6-6 का भी रख सकते हैं। तो अगेन मैं आपको ये वीडियो चला के दिखाता हूँ और यहाँ पे आप इको इफेक्ट नोट करें। हेलो गाइस, दिस इज जीबी टेक यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे आपको काफ़ी बेटर इको इफेक्ट सुनाई दे रहा होगा। तो इस मेथड के थ्रू आप इजीली अपने ऑडियो में इको इफेक्ट ला सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको इस तरह के मज़ीद वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।